तो दोस्तों मैं अपनी ड्रेस पहन ली है मैंने, वेटर की इतना सॉरी, अरे वेटर, मैं वेटर काम करता हूँ तो मुझे वो याद आ गया। तो मैं तो दोस्तों आ गया हम अपने किराए के कमरे में, तो मैं आपको जो बात लगाऊँ, ओ माई गॉड, देखा दोस्तों मैंने दरवाजा खोला भी नहीं उससे पहले, अब सुने दरवाजा खोल दिया। 10 मिनट में दोस्तों 10 मिनट में सारा कर दूंगा मैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज टाइम बज रही है 7:30, तो मैं उठ चुकी हूँ दोस्तों। दोस्तों अब मैं थोड़ी हवा पानी करके पीऊँगी, तो उसके बाद दोस्तों मैं खाना बनाऊँगी। तो आज ये रंग पेंटिंग का काम पे जाएंगे, तो इनके लिए खाना बना के टिफिन पैक करना है दोस्तों मुझे। तो 2 मिनट में मिलती हूँ दोस्तों आप लोग से। फाइनली दोस्तों मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, तोरी का सब्जी ना उनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है दोस्तों। तो आज ये खुश होके खाना खाएंगे। तो दोस्तों मेरे पास इतना टाइम नहीं बच रही, टाइम ज़्यादा ही हो गई ऐसे लग रहा है दोस्तों मुझे। तो मैं जल्दी इनके लिए ना टिफिन पैक करती हूँ, फिर इनको उठाती हूँ, कि इनको भी ये लगेगा कि मेरे अफसर इतने जल्दी उठ के मेरे लिए टिफिन बनाई है, खाना बना के टिफिन पैक कर दिया, तो ये बहुत खुश होंगे दोस्तों। तो मैं खाना बनाने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। फाइनली दोस्तों मैंने अदरक डाल दिया है, और साथ साथ दोस्तों देखिए तो मैं चाय भी चढ़ा रही हूँ, हल्दी, थोड़ी धनिया पाउडर डालने लगे दोस्तों। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ तोरी, तो दोस्तों मैं उनको उठाने जा रही हूँ दोस्तों, चाय दे दूंगी अब उनको। उठो बेबी, चाय पीने काम पे नहीं जाओगे ये? फाइनली दोस्तों मैंने चाय लेके आई हूँ इनके लिए, तो ये उठने नहीं लग रहे। फाइनली दोस्तों मैंने आटा भी लगा के तैयार कर लिया है, अब बस मेरी सब्जी 2 मिनट में भी बन जाएगी, और उसके बाद मैं टिफिन पैक कर दूंगी। फिर भी दोस्तों मैं एक बार इनको देख के आती हूँ। दोस्तों मैं इनके लिए गर्म पानी भी लेके आई, तो दोस्तों मैंने तो सुबह पी लिया था उठते गर्म पानी, तो हम पहले ना थोड़ी नुआ पानी पीते खाली पेट, तो आप लोग भी पी लेना दोस्तों। तो इनको देने जा रही हूँ मैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सभी आप? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और मेरी तरफ से सुबह की प्यारी भरी सुबह की मेरी तरफ से राम राम। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, तो दोस्तों मैं तैयार हो चुका हूँ काम पर जाने के लिए, और मेरी बीवी है वो रोटी बना रही है मेरे लिए। तो यहाँ थोड़ा अंधेरा है, लाइट नहीं है ना हमारे किराए के कमरे में, इसमें लाइट लगा रखी है लेकिन दोस्तों बहुत डिम है ना लाइट, इस वजह से दिखता नहीं है। तो बस अभी मेरे लिए खाना बना रही है, खाना पैक करेगी और मैं फिर सीधा निकलूँगा अपने काम के लिए। तो मिलता हूँ दोस्तों थोड़ी देर में आपसे। वैसे आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो, सुबह का मॉर्निंग का नज़ारा है। तो दोस्तों मेरा टिफिन बांध के अफसर जी ने तैयार कर दिया है, बैग में है रोटी सब्जी, तो दिन में लंच के टाइम खाएंगे, और अब सूजी अभी तरबूज खा रही है, तो फिर दिन में ये आराम से खाना खुना खा के रेस्ट करेंगी। तो मैं शाम को 6-7 बजे आऊँगा, ठीक है? अब तो अपना ध्यान रखिए, फिर मैं आऊँगा शाम को, फिर खाना खुना खा लियो टाइम पे। तो ठीक है दोस्तों, बाय दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर निकलते हैं। तो
दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं जहां पे मैं काम करता हूं, पेंट रंग पेंट का काम करता हूं, वहां पे पहुंच चुका हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वो घर है जहां हम रंग पेंट का काम कर रहे हैं। दोस्तों दिखाता हूं आपको। ये किचन है, ये पूरा पोस्टर है दोस्तों घर का जहाँ हम रंग पेंट का काम कर रहे हैं। एक भाई है यहाँ पे जो अपनी तैयारी कर रहा है, एक ब्रश बर्श की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ, हम यहाँ रंग पेंट का काम करते हैं। तो ये यहाँ पे इस रूम में कल पेंट कर दिया था। तो दोस्तों देख सकते हो अभी आप, अभी इसमें एक कोट और मारना है ताकि इसकी फिनिशिंग और अच्छे से आए। एक कमरा और दिखाते हैं दोस्तों आपको। ये कमरा भी देखिए दोस्तों, कल इसमें भी हमने पेंट किया था। अब आप देख सकते हो इसे, अभी इसमें भी एक कोट और मारेंगे ताकि इसकी शाइनिंग और अच्छे से आए। तो अभी जो हमारा ठेकेदार है, जो हमारा मतलब हमारा जो ठेकेदार है वो अभी आने वाला है, तो वो आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अभी हम जैसे कि छोटी बहुत रिपेयरिंग कराएंगे। अभी ये भाई और मैं दोनों रिपेयरिंग करेंगे। उसके दोस्तों मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये तो अरे हेलो कर दोस्त, हेलो कर, हेलो। तो दोस्तों ये भाई मेरे साथ काम करता है यहाँ पे। अभी बस हमारे ठेकेदार आ जाए फिर हम अभी तो हम काम स्टार्ट करते हैं। वो हमें आगे बताएंगे कि आगे क्या करना क्या नहीं करना। तो दोस्तों थोड़ी देर मिलते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी ड्रेस पहन ली है मैंने, वेटर की ना सॉरी अरे वेटर मैं वेटर काम करता हूँ तो मुझे वो याद आ गया। तो मैंने ड्रेस पहन ली अपने रंग पेंट के काम की है। तो दोस्तों अभी मैंने ठेकेदार से फ़ोन करके पूछा, उसने कहा जो ये किचन है सामने इसमें पेंट मारना है। तो दोस्तों मैं ये वीडियो सिर्फ मैं आपको हर चीज़ नहीं बता सकता इस वीडियो में, क्योंकि अगर ठेकेदार आ जाएगा तो मुझे सुनाएगा, बोलेगा वीडियो बना रहा है ये है वो है। दोस्तों अभी मैं आपको बस थोड़ा सा करके दिखाऊंगा, ताकि अभी ठेकेदार आया नहीं है। तो अभी थोड़ा सा रंग पेंट करके दिखाऊंगा इसमें किचन में, ठीक है। तो दोस्तों देखना आप और बताना। तो दोस्तों अब ये जैसे कि ब्रश ले लिया और ये हमने पेंट ले लिया। तो अब दोस्तों किचन में और मैं यहाँ से पेंट करना स्टार्ट करूँगा, तो आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इसकी छतनी करनी है क्या? छतनी करनी, चल ठीक है। तो यहाँ से अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप, अब मैं पेंट करने जा रहा हूँ। यहाँ से ब्रश मार देते हैं। तो दोस्तों हमारी स्टार्टिंग ऐसे होती है, हम ऐसे पेंट करते हैं, सभी के घरों में ऐसे करते हैं लोग। देख सकते हो आप यहाँ से किनारे उठाई, ये लिया, ये धार निकाल दी, सॉरी मतलब लाइन निकाल दी ताकि ना इधर की उधर ना जाए पेंट। लाइन बनाने से क्या होता है, फिर इसकी फिनिशिंग आती है, फिर हम यहाँ पे इस तरह आराम से कर सकते हैं ऐसे पेंट। दस मिनट में दोस्तों, 10 मिनट में सारा कर दूंगा मैं। तो दोस्तों वीडियो भी यहीं बंद करा देते हैं, क्या पता हमारा ठेकेदार किसी टाइम भी आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको पेंट करने के बाद दिखाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलता हूँ दोस्तों थोड़ी देर में। दोस्तों हमारे लिए चाय आ चुकी है, ये देख रहे हो चाय आ चुकी है। तो अब हम चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर हम दोबारा से काम करना स्टार्ट करेंगे। देखो साथ में बिस्कुट भी भेजे हैं, जो यहाँ का मकान मालिक है उन्होंने मान लिया चाय और बिस्कुट भेजे, तो उसके बाद में करेंगे हम काम, ठीक है दोस्तों। मिलते भी थोड़ी देर में। तो दोस्तों किचन का काम कर दिया था मैंने काफ़ी समय होता बहुत पहले, तो मैं इस रूम में भी लगभग मैंने सभी कर दिया है। बस ये दीवार हट चुकी है, ये दीवार जो बस यहाँ तक तो नहीं करते, बस यहाँ नीचे नीचे तक करना है। उसके बाद में अगला रूम है,
उसमें पेंट करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बाद में। दोस्तों अब तो रूम में बहुत गंदा हो चुका है, अभी हम उसको सफाई करते हैं ताकि ऐसा पता लगे कि हमने रूम को अच्छे से पेंट कर दिया है। तो उसको दिखाने के लिए अब मैं करूँगा सफाई अच्छे से, झाड़ू ले रखे मेरे, झाड़ू काटूँगा बढ़िया तरीके से पूरे कमरे में। तो बस अभी झाड़ू काटता हूँ, उसके बाद में आपको रूम दिखाता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों लंच टाइम हो चुका है, अब मैं तो दोस्तों आज का काम हमने कर दिया है, लगभग कंप्लीट कर दिया है आज का। ये रूम भी कंप्लीट कर दिया है और ये वाला रूम भी कंप्लीट कर दिया, और ये बाहर का जितना भी पोस्टर था दोस्तों सारा कंप्लीट कर दिया है। बस अब कल करेंगे, कल ये वाला रूम कंप्लीट करेंगे, इस पे इस वाली दीवार पे डिजाइन बनाएंगे है जो आपको कल दिखाऊंगा मैं। और ये देखना पूरा करना है कल ये, ठीक है, और साथ में कल बाथरूम भी। तो आज अब हम छुट्टी करते हैं और अब थोड़ा सा मुँह हाथ धोते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, उसके बाद में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं घर आ चुका हूँ, अब मैं घर के अंदर जाऊँगा। तो दोस्तों अब मैं घर के अंदर जा रहा हूँ। तो दोस्तों आ गया हम अपने किराए के कमरे में, और मैं आपको जगह बात लगाऊँ। ओ माई गॉड, देखा दोस्तों मैंने दरवाज़ा खोला भी नहीं उससे पहले, अब सुने दरवाज़ा खोल दिया, इनको मेरी आहट हो गई आने की। तो देखा दोस्तों इसे कहते हैं सच्चा प्यार। ये मेरी अफसू, मैं इसका विक्की, मेरी बीवी, मैं इसका पति। नेपाली में बूढ़ा, ये मेरी बूढ़ी। दोस्तों अभी घर में आए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, फिर उसके बाद मिलते हैं दोस्तों। अब तुझे कह रही है पानी लाने के लिए। तो दोस्तों अब मैं घर में आ चुका हूँ, आज मेरे थोड़े से कपड़े भी थोड़े गंदे हैं, अब उसको पानी दे रही है, पहले पानी पी लेते हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों फिर है।